आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सेठ जी, टैक्स डिपार्टमेंट, अपने भाई खाते दिखाइए। वो तो घर पे है। अरे घर पे है तो लेके आइए। बाबा गाड़ी का चाबी दो ना। गाड़ी की चाबी क्यों? अरे बाबा हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कितना महंगा हो गया है। दो यार चाबी दो। अरे बाबा सो गया क्या? सेठ जी खाते ले आए। अरे बाबा तुमको इधर बैठे हुए कितना देर हो गया? यही कोई 7 घंटे। कोई ग्राहक आया? नहीं। कोई बोनी वोनी हुआ? नहीं। अरे बाबा जब ग्राहक नहीं बोनी नहीं तो खाते में क्या लिखेगा? GST, नोटबंदी, महंगाई। अरे बाबा ग्राहक ही चौपट हो गया। अरे जब धंधा ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से दूंगा? अरे निकालो इनको बाहर, और निकालो ऐसी सरकार। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। सब झूठों का छोड़ के साथ कांग्रेस का थामो हाथ, MP पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। गैस डीजल पेट्रोल के होंगे कम दाम, फसलें फिर लहराएंगी, मिलेंगे पूरे दाम। कानून तोड़ने वालों को अपना बख्शा जाएगा, नारी को सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। पढ़ा लिखा हर नौजवान पाएगा रोजगार, कम करके दिखलाएंगे टैक्स की ये भरमार। देश के दिल से देना है देश को ये पैगाम, बाल बचन नहीं बोलते बोलेगा अब काम। MP पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है। अरे गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब बेमतलब की नोटबंदी का असर आज भी मेरे व्यापार पर आता है, जब GST की कठिनाइयों में हर महीने मुझे उलझाया जाता है। अरे गुस्सा आता है जब भाजपा वालों की मदद से कुछ उद्योगपति करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब ये भाजपा वाले आयोजनों के नाम पर चंदा मांगने आ जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी हूँ और अब मुझे इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है।
मैं मध्य प्रदेश की नारी हूँ और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का बयान, राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं। कांग्रेस ने टिकट बांटे, सभी दल बदलुओं को बनाया प्रत्याशी। बीजेपी में कुछ नेता हुए बागी, पार्टी लगी डैमेज कंट्रोल में। राजबब्बर छत्तीसगढ़ में, कहा रमन सिंह डॉक्टर लेकिन छत्तीसगढ़ बीमार। चुनाव के लिए जारी है वाहनों की जांच, कारें उगल रही हैं नोट। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राम मंदिर भाजपा के लिए कभी चुनाव का मुद्दा नहीं रहा। साथ ही उन्होंने मंदिर मामले में कांग्रेस से रुख स्पष्ट करने की मांग की। राजस्थान में भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने जयपुर में कहा कि राम मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए संघर्ष 500 साल से चल रहा है, यह देश से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि भाजपा राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बना रही है बल्कि कांग्रेस से बयानों पर सवाल उठा रही है। ने बोला थरूर कांग्रेस के है, बीजेपी के नहीं है। थरूर ने कहा कि राम मंदिर पे अच्छा हिंदू वहां राम जन्मभूमि पर, उनका कहना कि वहां मस्जिद थी, वहां मस्जिद एक्चुअली मंदिर था, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी और इसलिए वहां जहां गिराई है वास्तु वहां मंदिर अच्छा हिंदू नहीं कहेगा, ये थरूर ने कहा, हमने नहीं कहा। क्या कांग्रेस अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर चाहती है या नहीं? कांग्रेस नेताओं पर राजस्थान को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में कई क्षेत्रों में प्रगति की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, जबकि जानकारी के मुताबिक पहली सूची में 155 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। इस सूची में भाजपा बसपा छोड़कर आए सभी नेताओं को टिकट दिए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रत्याशियों की सूची रोकी थी। इसके बाद बीती रात 155 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई। प्रत्याशी चयन को लेकर प्रदेश के बड़े नेताओं का विवाद के खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उम्मीदवारों को लेकर सभी में सहमति नहीं बन पा रही थी और सभी बड़े नेता अपने अपने समर्थकों और दावेदारों को टिकट दिलाने के लिए अड़े हुए हैं। 155 प्रत्याशियों की इस सूची में भाजपा बसपा छोड़कर आए सभी नेताओं को टिकट दी गई है। पद्मा शुक्ला, रेणु शाह, संजय शर्मा, अभय मिश्रा और विद्यावती पटेल सहित सभी दल बदलुओं को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं दिग्गज नेता सुरेश पचौरी को एक बार फिर भोजपुर से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा और बेटे जयवर्धन सिंह को राघोगढ़ से फिर टिकट दिया गया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो सिर्फ जीतने वाले को टिकट देने की बात कह रहे हैं, फिर भले ही वो अपराधी ही क्यों न हो। हमको जीतने वाले के, मैं बड़ा स्पष्ट बात सबसे कहता हूँ कि मुझे तो जीतने वाला चाहिए। कोई कहता है इसके ऊपर चार केस है, मैं तो कहता हूँ वही पड़े पांच कि मुझे तो जीतने वाला चाहिए। कद्दावर नेता रहे सुरेंद्र सिंह ठाकुर को भी सीहोर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा, विसाहू लाल सिंह,
एनपी प्रजापति, प्रभुराम चौधरी, सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो और मुकेश नायक पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को पहली बार टिकट मिला है। मध्यप्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह अमरपाटन से प्रत्याशी बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस सूची में कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी भारी पड़ रही है। बीजेपी में जगह जगह बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि किसी का पार्टी में रहना या जाना ये व्यक्ति का स्वयं का निर्णय होता है। बीजेपी के दबंग सांसद प्रभात झा का यह बयान आया है कि जिसमें वह कह रहे हैं कि पार्टी में रहना या जाना ये किसी व्यक्ति का स्वनिर्णय है। प्रभात झा के बयान में रोष साफ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि सीएम के साले संजय सिंह की कांग्रेस में एंट्री को लेकर यह गुस्सा और हताशा देखी जा रही है और अब संजय बीजेपी का नहीं कांग्रेस का प्रचार करेंगे। पार्टी में किसको रहना नहीं रहना ये व्यक्ति अपने स्वयं विवेक पर सोचता है और सबको अपनी स्वतंत्रता है, इसलिए जो गए क्षण भर को लगता है कि नहीं जाना चाहिए था लेकिन गए तो अब क्या कर सकते हैं, ना समझ तो है नहीं, अपनी अपनी समझदारी होती है। बीजेपी में टिकट वितरण के बाद से कई जगह से बगावत की खबरें आ रही हैं। पार्टी के बड़े नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं और उन्हें सूझ नहीं रहा है कि ऐसे में वे क्या बयान दें। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सेठ जी, टैक्स डिपार्टमेंट, अपने वही खाते दिखाइए। वो तो घर पे है। अरे घर पे है तो लेके आइए। बाबा गाड़ी का चाबी दो ना। गाड़ी की चाबी क्यों? अरे बाबा हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कितना महंगा हो गया है। दो यार चाबी दो। अरे बाबा सो गया क्या? सेठ जी खाते ले आए। अरे बाबा तुमको इधर बैठे हुए कितना देर हो गया? यही कोई 7 घंटे। कोई ग्राहक आया? नहीं। कोई बोनी वोनी हुआ? नहीं। अरे बाबा जब ग्राहक नहीं बोनी नहीं तो खाते में क्या लिखेगा? GST, नोटबंदी, महंगाई। अरे बाबा ग्राहक ही चौपट हो गया। अरे जब धंधा ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से दूंगा? अरे निकालो इनको बाहर और निकालो ऐसी सरकार। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। सब झूठों का छोड़ के साथ कांग्रेस का थामो हाथ। MP पुकारे दिल से वक्त है बदलाव का। गैस डीजल पेट्रोल के होंगे कम दाम, फसलें फिर लहराएंगी मिलेंगे पूरे दाम। कानून तोड़ने वालों को अपना बख्शा जाएगा, नारी को सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। पढ़ा लिखा हर नौजवान पाएगा रोजगार, कम करके दिखलाएंगे टैक्स की ये भरमार। देश के दिल से देना है देश को ये पैगाम, बाल बचन नहीं बोलते बोलेगा अब काम। MP पुकारे दिल से वक्त है बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है। अरे गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब बेमतलब की नोटबंदी का असर आज भी मेरे व्यापार पर आता है, जब GST की कठिनाइयों में हर महीने मुझे उलझाया जाता है। अरे गुस्सा आता है
जब भाजपा वालों की मदद से कुछ उद्योगपति करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब ये भाजपा वाले आयोजनों के नाम पर चंदा मांगने आ जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी हूँ और अब मुझे इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा हुआ बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर ने ताल ठोक दी है। बताया जा रहा है कि लगातार 10 बार जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने उत्तराधिकार के तहत अपना टिकट अपनी बहू को दिलाने की कोशिश की, लेकिन शिवराज सिंह कृष्णा गौर को टिकट देने में आनाकानी कर रहे हैं। भोपाल के गोविंदपुरा से चुनाव लड़ने का मन बना बैठी कृष्णा गौर नाराज हैं। पूर्व सीएम की बहू ने साफ कर दिया है कि बीजेपी उन्हें टिकट दे या नहीं, वे इस्तीफा देकर हर हाल में गोविंदपुरा से ही चुनाव लड़ेंगे। टिकट कटने की संभावनाओं के मद्देनजर गौर समर्थकों में आनन फानन में गोविंदपुरा में बैठक की। इसके बाद गौर के निवास पर विधानसभा प्रभारी बारेलाल अहिरवार समेत क्षेत्र के तमाम पार्षदों ने कृष्णा से मुलाकात कर चुनाव लड़ने के लिए कहा। इस बीच कृष्णा ने परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए और कहा कि उनके मन में पीड़ा है। जब तमाम नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया जा रहा है तो उन्हें क्यों नहीं। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी विकास से कोसों दूर छतरपुर का जरेला गांव के लोग कोरे आश्वासन से तंग आ गए हैं, तो अब उन्होंने चुनाव के पहले जहां एक ओर चेतावनी भरे लहजे में गांव के बाहर किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट मांगने के लिए गांव में प्रवेश पर रोक का बैनर लगा दिया है, वहीं सड़क नहीं तो वोट नहीं, स्कूल नहीं तो वोट नहीं के नारे लिखकर मतदान के बहिष्कार की बात की है। छतरपुर जिले के गौरीहार ब्लॉक का लगभग 1000 की आबादी वाला जरेला गांव, जहां के लोगों की माने तो यहां के लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आलम यह है कि इस गांव में आज तक कोई सड़क नहीं पहुंची, जिसके चलते हर बरसात में यहां के ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को मजबूर होते हैं। बारिश होती है यह गांव टापू में तब्दील हो जाता है। बारिश के 4 महीनों में अगर कोई ग्रामीण बीमार हो जाता है तो उसे चारपाई पे रखकर ही 3 किलोमीटर दूर सड़क पर पहुंचाया जाता है। ये परेशानी है कि यहाँ ना कोई रोड है ना स्कूल है कोई ढंग का कि बच्चे पढ़े लिखे, जिसके बच्चे जाते हैं तो वहाँ गिर जाए तो बिल्डिंग तो सब लोग बच्चे खत्म हो जाए। वोट लेने वाले तो ले जाते हैं लेकिन ये यहाँ आकर विकास नहीं कोई कर रही है तो क्या करूँ जाए। कोई माताएं बहने कोई नहीं वोट देने को तैयार है, ना कोई लड़के लड़के तैयार है, ना कोई सयान बुजुर्ग लोग तैयार हैं।
स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपने गांव के विकास की बात जो रहे ग्रामीणों ने कई बार यह सड़क की मांग की, लेकिन कोरे आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वहीं गांव में शासकीय प्राथमिक विद्यालय भी पूरी तरह से जर्जर है और बच्चे कभी पेड़ के नीचे तो कभी किसी के घर के बरामदे में मुश्किल से शिक्षा ग्रहण करते हैं। नहीं, ये बैनर लगा रखा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारे गांव में रोड नहीं आएगा, तब तक तो हम तो न किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने गांव में घुसने देंगे प्रचार करने के लिए, और न ही हमारे गांव का एक भी व्यक्ति वोट डालने जाएगा। हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे इस गांव के ग्रामीणों ने आखिरकार गांव के बाहर एक बैनर लगाकर सभी राजनीतिक पार्टियों को एक चेतावनी लिख डाली, जिसमें लिखा गया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार के लिए इस गांव में आना पूर्णतः वर्जित है। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने आने वाले चुनाव में मतदान न करने का भी निर्णय लिया है। वहीं इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि वह लवकुश नगर एसडीएम वहां सीईओ को भेजकर जल्द ही गांव के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कर रहे हैं। हमें आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि वहां के लोगों की कुछ मांग है। मैंने अपने एसडीएम और सीईओ को निर्देश दिया गांव में जाए, गांव वालों से चर्चा करे और नियमानुसार एक कार्यक्रम करें। जाहिर है डिजिटल और न्यू इंडिया के दौर में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाते इस गांव को कब विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाता है, ये आने वाला समय ही तय करेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर ने कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद डॉक्टर हैं और छत्तीसगढ़ बीमार है। राज बब्बर ने राजनांदगांव में करुणा शुक्ला के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रमन सिंह पर निशाना साधा। राजनांदगांव विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी करुणा शुक्ला की मौजूदगी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक, फिल्म अभिनेता एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर ने जय स्तंभ चौक पर चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राज बब्बर ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार अटल जी के बताए रास्ते पर तो नहीं चल रही है, अगर ऐसा होता तो अटल जी की भतीजी करुणा शुक्ला जी कांग्रेस में नहीं होती। राज बब्बर ने सीएम डॉ रमन सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि रमन सिंह खुद डॉक्टर हैं और प्रदेश बीमार हैं। 2003 में छत्तीसगढ़ के अंदर अटल जी ने एक डॉक्टर को मुख्यमंत्री बनाया था और उस डॉक्टर से उम्मीद की गई थी और लोगों को लगा था कि अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य का कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि अटल जी ने एक फैसला लिया है एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं कहूंगा कि उनकी डिग्री कैसी रही है, क्योंकि पिछली बार मेरा मुकदमा के ऊपर करने वाले थे। डिग्री के बारे में तो नहीं कहता, लेकिन आज अटल जी के परिवार का कोई शख्स अगर आज उनके ही परिवार की उनकी अपनी भतीजी करुणा शुक्ला अगर आज कांग्रेस आपने अटल जी के उसूलों से अपने आप को अलग रखा है, आपने प्रदेश के लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचा है, आपने जनमानस की, आपने जंगल की और आपने उन तमाम जमीन के लोगों की, आपने बात को नहीं समझा जिसको अटल जी के भावनात्मक हृदय ने हमेशा समझा था। जयस्तंभ चौक में आयोजित सभा को संबोधित करने के बाद राज बब्बर ने रोड शो किया। जयस्तंभ चौक पर आयोजित सभा में आम मतदाताओं के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सेठ जी, टैक्स डिपार्टमेंट, अपने वही खाते दिखाइए। वो तो घर पे है। अरे घर पे है तो लेके आइए। बाबा गाड़ी का चाबी दो ना। गाड़ी की चाबी क्यों? अरे बाबा हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कितना महंगा हो गया है। दो यार चाबी दो। अरे बाबा सो गया क्या? सेठ जी खाते ले आए। अरे बाबा तुमको इधर बैठे हुए कितना देर हो गया? यही कोई 7 घंटे। कोई ग्राहक आया? नहीं। कोई बोनी वोनी हुआ? नहीं। अरे बाबा जब ग्राहक नहीं बोनी नहीं तो खाते में क्या लिखेगा?
जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई, अरे बाबा गिरा की चौपट हो गया। अरे जब धंधा ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से दूंगा। अरे निकालो इनको बाहर और निकालो ऐसी सरकार। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। सब झूठों का छोड़ के साथ कांग्रेस का थामो हाथ, एमपी पुकारे दिल से वक्त है बदलाव का। गैस डीजल पेट्रोल के होंगे कम दाम, फसलें फिर लहराएंगी मिलेंगे पूरे दाम। कानून तोड़ने वालों को अपना बख्शा जाएगा, नारी को सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। पढ़ा लिखा हर नौजवान पाएगा रोजगार, कम करके दिखलाएंगे टैक्स की ये भरमार। देश के दिल से देना है देश को ये पैगाम, बाल बचन नहीं बोलते बोलेगा अब काम। एमपी पुकारे दिल से वक्त है बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है। अरे गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूँ और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब बेमतलब की नोटबंदी का असर आज भी मेरे व्यापार पर आता है, जब जीएसटी की कठिनाइयों में हर महीने मुझे उलझाया जाता है। अरे गुस्सा आता है जब भाजपा वालों की मदद से कुछ उद्योगपति करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब ये भाजपा वाले आयोजनों के नाम पर चंदा मांगने आ जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी हूँ और अब मुझे इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव में धन का दुरुपयोग रोकने के लिए जगह जगह वाहन चेकिंग की जा रही है। प्रशासन के इस अभियान में कई जगह गाड़ियों
से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हो रही है। छतरपुर से हमारे संवाददाता दीपेंद्र गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अलीपुरा थाना इलाके में एक कार को रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें 2,45,00,000 रुपए मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। ये कार झांसी से मध्यप्रदेश की सीमा में आई थी। अलीपुरा थाना पुलिस जांच में जुटी है। बताया जा रहा है रुपए किसी बैंक का है। पहाड़ी बंदर पर चेकिंग लगी हुई थी, चेक कर रहे थे गाड़ी में, उसी समय ये बैन निकली और चेक किया गया तो इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए कि ये पैसा झांसी से लाठ इस कारण से लिए जा रहे हैं। तो ये पैसा इनसे दस्तावेज मांगा गया तो दस्तावेज ऐसे कोई नहीं है इनके पास जिससे पता लगता हो कि ये बैंक का कैश है और झांसी से लाठ लिए जा रहा है। ऐसी ही दूसरी खबर सीहोर में से मिली है। हमारे संवाददाता अरुण राठौर ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथौड़े के निर्देशानुसार बनाए गए फ्लाइंग स्क्वाड ने फंदा टोल नाके के पास एक बीएमडब्ल्यू वाहन से 7,19,900 रुपए नकद जब्त किए। जिस गाड़ी में रुपए बरामद किए हैं वह गुजरात का है। उड़नदस्ता टीम के प्रभारी डीके पुरोहित इस मामले की जांच कर रहे हैं। होशंगाबाद में अवैध शराब का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। चुनाव के मद्देनजर अब आबकारी विभाग ने कार्रवाई की तो अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया। होशंगाबाद जिले में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फैल रहा है। आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई सुहागपुर से शराबी कुआं पर की है, जिसमें 71 बोरी 3,775 किलो महुआ और 1,000 लीटर कच्ची शराब जब्त की। इस बार तो शराब माफियाओं ने हद कर दी, एक कुएं को शराब का गोदाम बना डाला। आज सुबह हमें एक सूचना मिली कि सुहागपुर के पार्थी टोले में काफी बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा का निर्माण हो रहा है। इसके लिए हमारा जिले का एक दल का गठन किया गया और जिले के दल द्वारा वहां पर कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 3,775 किलो महुआ लाहन हमारे द्वारा नष्ट किया गया, जब्त किया गया। हमारे यहाँ ये जो महुआ लाहन मिला है ये कुएं के अंदर से जब्त किया है, जो कुएं के अंदर ये लोग महुआ सड़ाने के लिए डाल देते थे और वहाँ से निकाल कर उसको अवैध रूप से उसको बनाते थे शराब। इस कुएं का इस्तेमाल अनुमन पानी के लिए किया जाता था, लेकिन शराब माफियाओं ने इस पर कब्जा कर इसे शराब का कुआं बना डाला। इस मामले में आबकारी विभाग ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। संत हिरदाराम नगर की शैक्षणिक संस्था साधु बासवानी स्कूल ने दीपावली पर्व को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां बच्चों के लिए प्रतियोगिता हुई, जिसमें बच्चों ने अपने हाथों में ग्रीटिंग कार्ड, रंगोली, मिट्टी के मटके व दियों को सजाया। कार्यक्रम में बच्चों को बाहर की मिठाई न खाने की हिदायत भी दी गई, क्योंकि इस समय बाजार में मिलावटी मिठाइयां बन रही हैं। बच्चों को तेज ध्वनि वाले पटाखों से दूर रहने की सलाह दी गई। गरीब बच्चों को जूते, कपड़े एवं गिफ्ट भी बांटे गए। कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर बीएस राठौर, जीव सेवा संस्थान के महेश दयारामानी, हीरो ज्ञानचंदानी मौजूद थे। तो लगता है कि त्योहार जो है बैरागढ़ में मैंने थोड़ा समय मुझे लगा है 3-4 महीने से मैं देखता हूँ यहाँ पे हर छोटा बड़ा कोई भी त्यौहार हो सभी त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और अभी मैं स्कूल के जो लोग संस्थापक इनसे बात कर रहा था कि बच्चों को केवल एक स्टडी, ठीक है बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं नो डाउट, पर उनका सारा सर्वांगीण जिसे विकास कहते हैं हर क्षेत्र का उनका होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे अदर एक्टिविटीज़ में। जिस तरीके से इन्होंने ये रंगोली बनाई है, बच्चों को हमारे जो एक संस्कार है ना स्कूलों को, केवल हम कई बार देखा कि पब्लिक स्कूल्स वगैरह जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो पढ़ाई के पीछे बहुत भागते हैं, नो डाउट इट इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड, बट बाकी जो हमारे संस्कार हैं वो इन स्कूलों से मुझे लग रहा है दिए जा रहे हैं। दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए एक रेल अधिकारी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इनको लगता है कि बिना राजनीति में आए हालात बदलने वाले नहीं हैं। रेलवे के फर्स्ट क्लास ऑफिसर स्टेशन मास्टर आरपी मगरिया का इस्तीफा रेलवे ने मंजूर कर लिया है। स्टेशन मास्टर मगरिया किसी राजनीतिक दल से टिकट नहीं मांग रहे हैं, वे निर्दलीय ही चुनाव मैदान में भाजपा और कांग्रेस से दो दो हाथ करने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी है। मगरिया दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहते हैं, इन्हें लगता है इसे रोकने के लिए राजनीति में आकर ही कुछ हो सकता है। चुनाव लड़ने का मुख्य कारण जो है सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी, चाहे वो रेलवे में हो चाहे सिविल में हो,
और सब ज्यादातर नगर पालिका में शोषण बहुत बढ़ गया है, इसलिए मुझे राजनीति में आना आवश्यक हो गया। मैं होशंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ूंगा, काफी दो तीन पार्टियों से मेरा संपर्क चल रहा है और एक दो दिन में वो फाइनल हो जाएगा। रही बात नफा नुकसान की, तो मुझे अभी 4-5 लाख का नुकसान होगा और इससे लेकिन राजनीति में इसका कोई मायना नहीं रहता। अच्छा लग रहा है था आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, तो पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा था आपको हमारा और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे हमारे साहब, हमें पूरी उम्मीद है। जो कि हमारी 12 घंटे की ड्यूटी है, क्योंकि 8 घंटे करने के लिए था आप आगे तक लड़ेंगे और आगे विधायक से सांसद का भी चुनाव लड़ने के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सेठ जी, टैक्स डिपार्टमेंट, अपने भाई खाते दिखाइए। वो तो घर पे है। अरे घर पे है तो लेके आइए। बाबा गाड़ी का चाबी दो ना। गाड़ी की चाबी क्यों? अरे बाबा हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कितना महंगा हो गया है। दो यार चाबी दो। अरे बाबा सो गया क्या? सेठ जी खाते ले आए। अरे बाबा तुमको इधर बैठे हुए कितना देर हो गया? यही कोई 7 घंटे। कोई ग्राहक आया? नहीं। कोई बोनी वोनी हुआ? नहीं। अरे बाबा जब ग्राहक नहीं बोनी नहीं तो खाते में क्या लिखेगा? GST, नोटबंदी, महंगाई। अरे बाबा ग्राहक ही चौपट हो गया। अरे जब धंधा ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से दूंगा? अरे निकालो इनको बाहर और निकालो ऐसी सरकार। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। सब झूठों का छोड़ के साथ कांग्रेस का थामो हाथ, MP पुकारे दिल से वक्त है बदलाव का। गैस डीजल पेट्रोल के होंगे कम दाम, फसलें फिर लहराएंगी मिलेंगे पूरे दाम। कानून तोड़ने वालों को अपना बख्शा जाएगा, नारी को सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। पढ़ा लिखा हर नौजवान पाएगा रोजगार, कम करके दिखलाएंगे टैक्स की ये भरमार। देश के दिल से देना है देश को ये पैगाम, बाल बचन नहीं बोलते बोलेगा अब काम। MP पुकारे दिल से वक्त है बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है। अरे गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब बेमतलब की नोटबंदी का असर आज भी मेरे व्यापार पर आता है, जब GST की कठिनाइयों में हर महीने मुझे उलझाया जाता है। अरे गुस्सा आता है जब भाजपा वालों की मदद से कुछ उद्योगपति करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब ये भाजपा वाले आयोजनों के नाम पर चंदा मांगने आ जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी हूँ और अब मुझे इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है
जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है, गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।